पापा आए बैठे मेरे पास। जरूर बैठूंगा, अपनी बेटी के पास बैठने तो आया हूं। मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा पहले आप पूछें। तुमने इज्जत के लिए इनकार किया, कोई खास रीजन उसकी? और मेरी बेटी ने मुझे क्यों नहीं बताया? पापा मैं चाहती थी कि वो खुद बात करे। कौन? अज़जद। और कौन? अज़जद क्यों बात करेगा खुद से? दुआ के लिए। ओ, तुम्हारी मामा ने बताया था मुझे। पापा अज़जद एक बहुत अच्छा लड़का है, वो दुआ को बहुत खुश रखेगा। मेरा भी ये ख्याल है, मगर तुम्हारी मामा इस मामले में थोड़ी सी बायस्ड है। थोड़ी सी बायस्ड है? वो बहुत ज्यादा बायस्ड है। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो और जावी दुआ को घर से बाहर निकालते हैं। ये तो मैं थी जिसने उसके लिए स्टैंड लिया। दुआ के साथ जो भी हुआ सही नहीं हुआ। बस मैं चाहती हूँ आप अज़जद की इस मामले में हेल्प करें। अज़जद की? दुआ और अज़जद की क्यों नहीं? दुआ तो उसके बारे में सोचने से भी तौपा करती है पापा। बेटा इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी जुबी आंटी एग्री हो तो मैं तुम्हारी मामा को एग्री करूं। खैर तुमने कोई बात करनी थी मुझसे? मैंने बस यही कहना था कि आप दुआ और अज़्ज़त के लिए कुछ करें, मुझे पता है आप कर सकते हैं। बेटा जब अज़्ज़त के सिवा कोई एग्री नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले वो अपनी माँ को तो एग्री करे।